शुरू कीजिए प्रभा, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए प्रभा। सबों को जय जीसु। जय जीसु। मैं प्रभा तीरू दोलहाट पैरिस के रहने वाली हूँ। दोलहाट चर नंबर मंडली के संत संत मोनिका एसएससी ग्रुप के मैं एक सदस्य हूँ। आज का एसएससी प्रार्थना दोलहाट पैरिस द्वारा अगुवाई की जा रही है। तो आइए हम आज के इस प्रार्थना सभा में भक्ति पूर्वक भाग ले और ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। अंजलुस बिंदी। क्रूस का चिन्ह प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया। आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया। कृपा प्रभु के साथ शांत मैया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम सौभाग्यों लिए आप हमारे देख। मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया। परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम सौभाग्यों लिए आप हमारे और सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया। कृपा प्रभु के साथ अपने अस्तियों में आप निया देगा का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम सब के लिए महावर हमारे बड़े के सुनाए। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर के पवित्र मां। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस का देहधारण जान लिया। हमारे प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उससे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाए हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाए हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाए हुए। आज के इस पवित्र दिन और समय के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे जो इस पवित्र बाइबल वचन के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित है। तो आइए हम प्रभु का इस उपस्थिति को हमारे मन दिल में अनुभव करें और प्रभु का पवित्र इच्छा को जानने के लिए कोशिश करें। इस एसएससी प्रार्थना में भक्ति पूर्वक भाग लेने के लिए मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ। अभी मैं आप सबों को प्रभु यीशु जो वचन के रूप में उपस्थित है उनको स्वागत करे निमंत्रण दे। वही प्रभु यीशु को एक वीडियो नाच के द्वारा हमारे बीच स्वागत करे। अपने दिल में अनुभव करे, अपने बीच में अनुभव करे। जय यीशु। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है।
भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मैं सिस्टर पत्रेसिया आप सबों को जय यीशु बोलती हूँ। अभी मैं पवित्र सुसमाचार से ईश्वर की वाणी को पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग इससे ध्यान से सुने तथा जो शब्द या वाक्य आपको छूता है उस पर मनन चिंतन करें। संत मरकुस के अनुसार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे बारों को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी ना झोली ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और दो कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए।
उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। चलिए हम कुछ देर मौन रहकर ईश्वर से मन ही मन हमसे बातचीत करने दें और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जो शब्द या वाक्य हमें छुआ उसे जोर से बोलें। सबों को जय जीशु। मैं संगीता हप्पान दोलाहाट परिस के रहने वाली हूँ। मैं डॉन बॉस्को एससीसी ग्रुप के एक सदस्य हूँ। पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप। आज के बाइबल वचन के द्वारा मुझे पश्चाताप शब्द ने मेरे मन को प्रभावित किया, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। यीशु मेरे मुक्ति के लिए इस संसार में आए और मैं मनुष्य होने के नाते बार बार पाप करती जाती हूँ। इसलिए मैं अपने को हमेशा प्रभु के सामने कमजोर और विनित होकर यीशु के पास आई हूँ, ताकि मैं उसके क्षमा को अनुभव करूँ, उसका आशीष को ग्रहण करूं और मेरे और यीशु के बीच का संबंध को बनाए रखूं। सबों को फिर से जय यीशु। जय यीशु। मैं मानसिक तपनो, मैं हरिबोल मंडली से हूँ, पारिस दोलाहाट। मैं संत जोसेफ एसीसी का एक सदस्य हूँ। आज के इस एसीसी प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी लोगों को मेरे ओर से जय यीशु। हमारे दोलाहाट पारिस में सिस्टर अग्नेस मिंज, सिस्टर जोस्ना तिर्की और सिस्टर लिली वेक की अगुवाई से सन 2012 में शुरू हुआ था। आप से लेकर आज तक कम से कम 6 गांव और बस्तियों में अलग अलग एसीसी ग्रुप बनाया गया है। आज हमारे पारिस में 15 एसीसी यूनिट है। एसीसी प्रार्थना की शक्ति से आज हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। जैसा कि एसीसी प्रार्थना शुरू होने के बाद से पारिवारिक प्रार्थना करने का उत्साह और इच्छा जगा है। बहुत परिवारों में आज प्रार्थना करने लगे हैं। एसीसी ग्रुप के सहायता से और प्रार्थना से बहुत लोगों ने आज अपना खराब दस्तूर, जैसा कि नशापान करना और लड़ाई झगड़ा करना, छोड़कर परिवार में शांति से जीवन बिता रहे हैं, जिसके उनके बच्चे लोग भी आज अच्छी तरह से पढ़ लिख कर लिख रहे हैं। जब से हमारे पारिस में शुरू हुआ है, लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए सीखे हैं। गांव में गिरजाघर बनाने का काम हो,
रोपा रोपने या कटने का समय हो लोग मदद के लिए निकाल जाते हैं। दुख बीमार के समय में भी एससीसी ग्रुप लोग पीड़ित परिवार के घर में जाकर चंगाई की प्रार्थना करते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ा रुपया पैसा देकर भी मदद करते हैं। एससीसी ग्रुप के द्वारा गांव-गांव में छोटा छोटा सामाजिक काम भी किया जाता है, जैसा कि गांव का रास्ता साफ करना या मिट्टी डालकर रास्ता की समतल करना, यह सब काम होता है। ईश्वर की आशीष और कृपा से यह सब काम हो रहा है और आशा और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में ईश्वर और अच्छा अच्छा काम करने का आशीष प्रदान करे। सबों को जय यीशु, जय यीशु। सबों को जय यीशु, जय यीशु। मेरा नाम जॉर्ज टोपनो, मैं हरिबोल मल्ली का रहने वाला हूँ, सैन जोसेफ ग्रुप का सदस्य हूँ। आज का बाइबल पाठ द्वारा मेरा दिल में यही वचन छूता है, स्वागत ना करें, स्वागत ना करें, स्वागत ना करें। इस वचन द्वारा मुझे अनुभव हुआ कि मैं भी प्रभु यीशु को अपने दिल में जगह नहीं दिया है, कि पाप स्वीकार सक्रामेंट द्वारा भी मैं प्रभु यीशु को जगह नहीं दिया और कुछ कारण से भी प्रभु यीशु को अपने मान में और घरों में भी सांच विनती के द्वारा प्रभु यीशु को जगह नहीं दिया। इसलिए मेरा मन में यही वचन याद आया कि जक्यूस भी प्रभु यीशु को अपना घर में स्वागत किया, इसलिए इस तरह मैं भी अपने मन में, दिल में और घर में भी स्वागत करूं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? क्या इस वचन द्वारा आप प्रभु यीशु को क्या कहने जा रहा है और क्या क्या करने चाहता है? यही का कार सबों को जय यीशु। किस्त में आदरणीय फादर सिस्टर्स और हमारे प्रचारगण, हमारे पारिस के वर्क योगियां और जितने भी इस ऑनलाइन में हमारे बाइबल स्टडी को फॉलो कर रहे हैं, सबों को मेरी ओर से जय यीशु, जय यीशु। सबसे पहले मैं इस पवित्र घड़ी में हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्हें हमें यह अवसर दिया कि प्रभु के वचनों को सुने, उस पर मनन चिंतन करें और जैसे ईश्वर का वचन में हमारा जीवन है, जैसे यीशु बोलते हैं मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ। आइए हम
इस शुभ घड़ी के लिए आज जो अवसर हम सबों ने पाया ईश्वर के वचन को सुन करके उसमें मनन चिंतन करने और उस वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और साथ में हम आइए सभी साथ में मिल करके इस ईश्वर के वचन को रोज रोज प्रत्येक दिन पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें और उसको अपने जीवन में लागू करें, अमल करें और उसके अनुसार जीने के लिए कोशिश करें। इसके लिए आइए हम सबको एक साथ मिल करके डिवाइन मर्सी रोशनी बोलें और प्रार्थना करें। और विशेष करके हम इस महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। दया की माला बिनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम हो, तेरा चावे तेरा राजा हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आज हमारे लिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु दुष्ट से बचा। आमीन। जो बचाव मध्य द्वारा गर्भ में पड़ा परिमेय से नाम लिया, और दुखला तुझे सामाय दुख उठाया, तुझे पत्त गया, माय गया कटा गया, निम्नस निकला, सिद्धि मुझे सुझे उठा, स्वर पर गया, सर्वशक्ति मां पिता परमेश्वर की, धन्यवाद बेटा आए पुनः, हम से जो हम को हम ना, विचार करने का रहेगा, माय बेटा आत्मा, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम सब दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम सब दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम सब दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम सब दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। हे स्वर्ग पिता हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए हे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर सारे दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों
हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन अमर ईश्वर, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अचिंताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और आंखों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपने पूरी शक्ति और सरलता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता को आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गमी हल निकल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित है, निराशा और असंतुष्टि, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना। प्रणाम मरिया, कृपा प्राप्त करो के साथ अपना जीवन में और दुनिया तेरे घर का भाई यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए। जय सुभाग विद्या वरण तले से तेरे लिए। आमीन। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद।
रामदयाल ईश्वर, आज हम सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज इस सुंदर संध्या का बेला में आपने हमें इस जगह पर एकत्रित किए हैं। आज बाइबल वचन सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए हम अलग अलग जगहों से आपके उपस्थिति को अनुभव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपका ही वचन में अनंत जीवन है, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपके वचन हम लोग का हृदय को छूता है और हम लोग का जीवन में परिवर्तन लाता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आज सभी भाई बहने मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज इस पवित्र दिन में सुबह से लेकर अभी तक आप हम लोगों के साथ में रहे, और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ताकि हम आपका वचन को सुनकर के उन पर विश्वास करें और आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपसे आशीष कृपा मांगते हैं, ताकि हमारे हृदय में आपके वचन के प्रति भूख जागे और हम हर रोज बाइबल पढ़ सके, मनन चिंतन कर सके और बाइबल वचन को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सके। यही कृपा हम तुझसे मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे, पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आदरणीय फादर्स गन, सिस्टर गन्स एंड पर्चरक गन्स, और यहाँ उपस्थित सबों को मेरे ओर से जय जीसु। मेरा नाम संजीव तपनो, गांव बिनोंग फुलबरी की रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की सुंदर समय और सुंदर संध्या देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे डायसिस के रेवरेंड बिशप स्वामी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे पारिश की ओर से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब एसएससी कमीशन मेंबर लोगों को, स्पेशली मैं उन भाई और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज की इस बाइबल शेयरिंग में
पार्टिसिपेट लिए हैं। प्रभात रू जो आज बाइबल शेयरिंग में प्रभु यीशु को निमंत्रण किया, और रेवरेंड सिस्टर पत्रिसिया में आज पवित्र वचन को पाठ किया, और साथ ही साथ संगीता हापन जो वचन का वाक्य लेके शेयरिंग किया, उन सबों को धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पारिस के पारिस प्रेस्ट अलेक्सियो सुरेन, असिस्टेंट माइकल किल्स माइकल माइकल सोरेंग, हमारे भविष्यों को उज्जवलित बनाने बढ़ाने भूमिका निभाई है। And also thanks all the sisters of Gurjan Convent for organizing for the prayer service and gospel sharing. Especially I thanks Reverend Sister Patricia means Sister Amila and Sister Anshu, जिन्होंने हमारे Bible sharing करने के लिए आयोजन किया और हमें सहयोग किया। धन्यवाद। जय जीसु। जय जीसु।